है हमारे सामने, तो x की वैल्यू के लिए हमें सॉल्व करना है इसको। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखिए ये आपका 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2x प्लस 5, और आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 2, बीच में आपको मिल जाएगा माइनस साइन, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये आपका हो जाएगा 18x प्लस 45 माइनस, और ये आपका हो जाएगा 15x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 18x माइनस माइनस 15x, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस, और ये 45 माइनस 6 ये आपका कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा यहां लिख लें, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 39 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 39। ठीक है, तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी आपको x की, तो ये आपका x इज इक्वल टू माइनस 39 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 13। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी मिल जाएगी, माइनस 13 आपका आंसर है। तो देखिए अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपका उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x और 2x आपके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 4 बीच में आपको मिल जाएगा माइनस साइन। अब ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहां से ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, तो आपको यहां से एक्स की दो वैल्यूज आपको मिल रही हैं, एक्स इज इक्वल टू 2, -2 आपके क्या है, आंसर्स हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे, तो 4 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 2, 3 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 5, बीच में हो जाएगा माइनस साइन इक्वल टू 3। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 8 माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा, x। अब ये 8 माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस 7 इक्वल टू 3। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। तो x की वैल्यू जो 10 आ रही है, बस यही आपका आंसर।